हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदेव ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक की हम बात करेंगे क्योंकि ये आइसोकॉइंट से रिलेटेड टॉपिक है। जिसने आइसोकॉइंट वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइसोकॉइंट के बारे में ऑलरेडी पता है तभी आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले तो आइसोक्वेंट वाली वीडियो में हमें टेबल भी देख चुके हैं, ये डायग्राम भी देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि आइसोक्वेंट जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आइसोक्वेंट है। मान लीजिए इधर प्रोडक्शन कितनी है, 100 है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट कितना है, 100 है। और ये हमारे पास दूसरा आइसोक्वेंट है जो कि इससे ऊपर है, यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है इसकी, 200 है। अब ये आइसोक्वेंट जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के होते हैं। इसका रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने जब कंज्यूमर के बारे में स्टडी किया था तब हमने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा था, जो कि आइसोक्वेंट की तरह ही डाउनवर्ड स्लोपिंग थी और जिसका डाउनवर्ड स्लोप और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। इसी तरह जब हम प्रोड्यूसर के केस में देखते हैं तो प्रोड्यूसर के केस में बात करते हैं आइसोक्वेंट की, वो भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन किसकी वजह से होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें, इट शोज हाउ वन इनपुट कैन बी ट्रेडेड और सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर वाइल होल्डिंग आउटपुट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए जब हमारे पास कैपिटल 1 थी और लेबर 12 थी, हमारा आउटपुट 100 था। अब कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं कैपिटल इंक्रीज कर दूं लेबर के बदले, लेकिन मेरा आउटपुट चेंज ना हो, आउटपुट 100 ही रहे। तो उसने क्या किया, एक कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी और चार लेबर क्या कर दी, कम कर दी। तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें क्या बता रहा है कि उसने लेबर कितनी चेंज करी एक कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है MRTS माइनस डेल्टा L ओवर में डेल्टा की, यानी कि हम लेबर को कम कर रहे हैं और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। और माइनस का साइन हमें बताता है कि ये जो लेबर एंड कैपिटल है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, लेबर को हम कम कर रहे हैं और कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे निकालें तो डेल्टा L कितना है, ये माइनस का साइन आया, -4, यानी कि डेल्टा एल, लेबर को हमने क्या किया, -4 किया, अपॉन में कैपिटल कितनी बढ़ाई, 1। तो हमारे पास MRTS कितना आ गया, 4। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चार लेबर कम करी और एक कैपिटल इंक्रीज कर दी। इसी तरह जैसे हमने एक और कैपिटल को इंक्रीज किया, अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल इंक्रीज होती रहती है हमें उसे मेंटेन करने के लिए लेबर की जरूरत भी ज्यादा पड़ती रहती है। अब क्योंकि कंज्यूमर ने एक कैपिटल इंक्रीज करी है, वो लेबर को कम करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितनी उसने पहले की थी, वो उससे कम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पहले उसने चार कम की थी, अब ये कितनी करेगा, 3 कम कर रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आ गया, 3 आ गया। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे उसने कितनी कम करी, लेबर 3 कम करी और कैपिटल कितनी इंक्रीज करी, 1 इंक्रीज करी। अब उसने एक कैपिटल इंक्रीज करी है तो वो लेबर को कम करेगा, अब वो लेबर को कम करेगा लेकिन पहले जितना कम नहीं करेगा, उससे कम कम करेगा। यानी कि पहले उसने 3 लेबर कम करी थी एक कैपिटल के बदले में, अब वो 2 लेबर को कम कर रहा है एक कैपिटल के बदले में और आउटपुट उसने कॉन्स्टेंट ही रखा है। तो यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, उसने 2 कैपिटल कम करी एक लेबर के बदले में। इसी तरह बाद में जब वो एक और कैपिटल इंक्रीज करता है तो फिर कितनी चेंज कर रहा है, लेबर 1 चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं आप इसे, पहले यहाँ पे आप देखिए ये ज्यादा है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है। तो क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डाउनवर्ड डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए हमारी जो आइसोक्वेंट कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम, इट शोज हाउ वन इनपुट कैन बी ट्रेडेड और सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि वन इनपुट जो है उसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है फॉर अनदर, यानी कि जैसे इस केस में देख लें, लेबर को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर अनदर इनपुट, अनदर इनपुट क्या है, कैपिटल, वाइल होल्डिंग आउटपुट कांस्टेंट, जबकि हमने आउटपुट को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। आउटपुट इस केस में क्या है, 100 है, ठीक है। तो ये था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम डिनोट करते हैं MRTS KL। इधर KL का क्या मतलब है, कैपिटल फॉर लेबर, यानी कि यहाँ हमने क्या किया, कैपिटल को इंक्रीज किया किसके सब्स्टिट्यूट में, लेबर के सब्स्टिट्यूट में। तो अगर ऐसे लिखा हुआ आया आपको MRTS KL, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा L, यानी कि कितनी आपने लेबर चेंज करी फॉर डेल्टा K, यानी कि कैपिटल को चेंज करने के लिए आप कितनी
लेबर चेंज कर रहे हैं। उसी तरह अगर अपोजिट केस हो, मान लीजिए हम लेबर को बढ़ा रहे हों और कैपिटल को कम कर रहे हों, इस केस में हमने कैपिटल बढ़ाई थी, लेबर को कम किया था, लेकिन अगर अपोजिट केस हो तो हम कैसे लिखते हैं, MRTS LK, यानी कि लेबर फॉर कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा के और में डेल्टा एल, यानी कि कितनी कैपिटल को हम कम करेंगे लेबर को इंक्रीज करने के लिए। तो ये दो फॉर्मूलों की हमने बात करी अभी, लेकिन हमने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट वाली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा क्यू ओवर में डेल्टा एल। डेल्टा क्यू क्या है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा अगर हम लेबर को चेंज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यानी कि हम लेबर को जब चेंज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एल मल्टीप्लाई विद एम पी एल। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन वन का नाम। सिमिलरली अगर हमने कैपिटल का चेक करना हो तो कैपिटल के चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा के मल्टीप्लाई विद मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन टू का। अब हम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू में देख सकते हैं कि जब हमने लेबर को चेंज करा तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया वो ये है, सिमिलरली जब हमने कैपिटल को चेंज करा तब प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है वो ये है। तो क्योंकि अब इसमें क्या कर रहे थे, हम लेबर को कम कर रहे थे, तो लेबर की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा एल इंटू में एम पी एल, यानी कि लेबर की वजह से इतनी प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन तो हमने 100 रखी है इस केस में, तो जितनी लेबर की वजह से प्रोडक्शन कम होगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होगी कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन कितनी, एम पी के। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जितनी लेबर की वजह से प्रोडक्शन कम हुई उतनी कैपिटल ने प्रोडक्शन बढ़ा दी, तभी तो टोटल प्रोडक्शन 100 की 100 ही रही। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस डेल एल ओवर में डेल्टा के इज इक्वल टू में एम पी के अपॉन में एम पी एल, यानी कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब इस इक्वेशन को जिसे हम इक्वेशन थ्री का नाम देते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस डेल एल ओवर में डेल के किसके इक्वल है, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यानी कि जब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमने निकालना है, जब हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और लेबर को कम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओवर में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल एल ओवर में डेल के। सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें, जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं और कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल के ओवर में डेल एल। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम पी एल ओवर में एम पी के। यहाँ पे क्या हो रहा था, एम पी के ओवर में एल, क्योंकि यहाँ कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और लेबर को कम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लेबर को बढ़ा रहे हैं और कैपिटल को कम कर रहे हैं। तो आपने ये दो फॉर्मूले जो है ये हमेशा याद रखने हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे तो हमने केस देखा था कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज हो रहा था, तभी जो आइसोक्वेंट की शेप थी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन थी, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कैपिटल और लेबर जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि इस बार तो इसने चार लेबर के बदले में एक कैपिटल दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसने एक कैपिटल के बदले में चार लेबर नहीं दी बल्कि तीन दी, क्योंकि कुछ काम जो लेबर कर सकती है वो कैपिटल नहीं कर सकती, तो लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं थे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि लेबर एंड कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या होगा, तो हम केस देखते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर के पास एक कैपिटल है, पांच लेबर है और 100 वो आउटपुट कर रहा है। इसे हम डायग्राम में देखें, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ए। अब उसने क्या किया, एक कैपिटल इंक्रीज कर दी। अब क्योंकि लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो उसने एक कैपिटल इंक्रीज करी और लेबर कितनी कम कर दी, एक लेबर कम कर दी। इसे हम अगर डायग्राम पे देखें, ये आ गया हमारे पास पॉइंट बी। सिमिलरली अगर उसने एक और कैपिटल इंक्रीज करनी हो तो क्या करेगा, वो उतनी ही लेबर कम करेगा जितनी उसने पहले करी थी। क्यों? क्योंकि लेबर और कैपिटल क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जितना काम लेबर कर रही थी उतना ही कैपिटल कर रही है। लेकिन पहले केस में क्या था, कैपिटल और लेबर जो थे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमने माना है कि कैपिटल और लेबर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो वो फिर जो लेबर कम करेगा वो कितनी करेगा, एक से ही कम करेगा। पहले भी उसने एक से करी थी, अभी भी एक से कम करेगा, और प्रोडक्शन उसकी 100 की 100 ही है। अभी से हम डायग्राम पे देखें तो हमारे पास पॉइंट सी आ जाता है। सिमिलरली अगर एक और कैपिटल इंक्रीज करे तो लेबर कितनी कम करेगा, एक ही,
और प्रोडक्शन कितनी है 100 के अंदर। ये आ गया हमारे पास पॉइंट ई। अगर हम इस सारे पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास जो आइसोक्वेंट मिलता है वो मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन। अभी आइसोक्वेंट स्ट्रेट लाइन क्यों है? मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से। यहाँ पे हम मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकाल के देखते हैं क्या आएगा। अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में जब उसने एक कैपिटल इंक्रीज करी थी तो लेबर कितनी कम करी थी? एक ही। तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आ गया? 1। ठीक है, अगर इसे डायग्राम में देखें तो ये कौन सा पॉइंट है? ये एक लेबर कम करी और एक कैपिटल इंक्रीज कर ली। सिमिलरली जब उसने एक और कैपिटल इंक्रीज करी तो लेबर कितनी कम करी? एक ही। इस तरह मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन द्वारा कितना आ गया? 1। डायग्राम में देखें, देख सकते हैं एक लेबर कम कर रहा है, एक कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह आगे आगे अगर आप देखें तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट की वजह से आइसोक्वेंट की शेप क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स का। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जो कपड़े की फैक्ट्री खोलता है अपनी, जिसमें वो एक मशीन लगाता है जिसे हम कैपिटल कह सकते हैं। तो वो क्या करता है? एक कैपिटल यूज करता है, एक मशीन लगाता है जिसे चलाने के लिए हमें 2 लेबर की जरूरत है। अब क्योंकि प्रोडक्शन किससे होगी? एक मशीन से होगी, और मशीन किससे चलेगी? 2 लेबर की हेल्प से चलेगी। तो कैपिटल और लेबर क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम सिर्फ 2 लेबर का यूज़ करें तब भी प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो मशीन से होनी है, लेकिन अगर वो एक मशीन लगाता है तो उसे 2 लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीन जो है 2 लेबर की हेल्प से चलती है। तो वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए उसने एक मशीन लगाई और 2 लेबर यूज़ करी, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए। अब मान लीजिए इस केस में मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन चेक करना चाहते हैं। पहले केस में हम देख लेते हैं कि वो लेबर को क्या करना चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है। किसके बदले में? कैपिटल के बदले में। कैपिटल को वो क्या करना चाहता है? डिक्रीज करना चाहता है। यहाँ पे हम मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। अब मान लीजिए उसने लेबर 2 से इंक्रीज कर दी, पहले वो 2 लेबर यूज कर रहा था, अब वो 4 यूज करने लग गया। ठीक है, तो क्या वो कैपिटल को कम कर सकता है? कैपिटल तो वो कम कर ही नहीं सकता, उसके पास एक मशीन है, उसको वो हटा नहीं सकता। मशीन को वो क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मशीन के बिना तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? पॉइंट बी आ गया। उसने बेशक 2 लेबर इंक्रीज करी, लेकिन कैपिटल वो कम नहीं कर सकता, कैपिटल 1 की 1 ही रही। सिमिलरली अगर वो मान लीजिए 2 से 10 कर ली, तब भी क्या वो मशीन को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, क्योंकि जैसा कि हमने कहा इसमें प्रोडक्शन किससे होगी? मशीन से ही होगी। चाहे लेबर कितनी भी बढ़ा लो, आप सिर्फ लेबर को बढ़ाओगे मशीन नहीं लगाओगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चाहे वो 10 लेबर का भी यूज कर रहा था, क्या वो कैपिटल की जगह ले सकती है? कैपिटल को कम कर सकता है? नहीं कर सकता। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या नहीं कर सकता? वो एक चीज को बढ़ा के दूसरे को कम नहीं कर सकता। वहीं पे अगर दूसरा केस अगर हम लें, अगर मान लीजिए उसने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया और लेबर वही की वही है, कैपिटल उसने एक की बजाय 2 यूज करना शुरू कर दी और लेबर पहले जितनी 2 ही यूज कर रहा था, वो तब क्या कोई प्रोडक्शन में चेंज आएगा? प्रोडक्शन तो उतनी की उतनी ही है, क्योंकि पहले वो एक कैपिटल यूज कर रहा था, 2 लेबर यूज कर रहा था। अब 2 लेबर जो है वो एक ही मशीन को चला सकती है। अगर उसने 2 मशीनों को चलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं? एक चीज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। अब उसने पहले एक मशीन लगाई थी, 2 मशीन लगा ली, तो क्या वो लेबर को अब कम कर सकता है? 2 की जगह एक लेबर यूज कर सकता है? नहीं। वहीं पे अगर वो मशीन को और बढ़ा दे, मान लीजिए और मशीन लगा दे, तब क्या वो लेबर को कम कर सकता है? नहीं, तब भी वो लेबर को कम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मशीन चलाएगा कौन फिर? इसी तरह अगर वो चाहे 5 मशीन लगा दे, तब भी क्या वो लेबर को कम कर सकता है? नहीं, वो नहीं चेंज कर सकता। तो इन हम सब पॉइंट को जोड़े तो हमारे पास जो कर्व आती है वो हमारे पास आती है एल शेप। ये एल शेप कर्व क्या बताती है? कि प्रोड्यूसर जो है वो हमारा एक ही पॉइंट पे प्रोडक्शन कर सकता है, वो पॉइंट है ये। अब अगर उसने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या करना? अगर वो एक कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? लेबर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर वो दोनों को इंक्रीज करता है तो क्या होगा? वो इस आइसोक्वेंट से बाहर चला जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, और वो किसी अनदर आइसोक्वेंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो 100 की प्रोडक्शन कर रहा था, यहाँ पे वो कितने की करने लग जाएगा? मान लीजिए 200 की, क्योंकि उसने मशीन भी बढ़ा दी और क्या बढ़ा दिया? लेबर भी बढ़ा दी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है? अगर हम मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालें, अगर हम निकालें जब वो ए से बी पे गया तो उसने कितनी लेबर में चेंज किया? 2 में। कैपिटल को वो कम कर सकता है? कैपिटल को वो कम नहीं कर सकता। कितनी कैपिटल कम हुई? 0। तो कितना आ गया? इन्फिनिटिव। वैसे ही जब मान लीजिए वो बी से सी में गया, उसने कितनी लेबर में चेंज किया? 4 से वो 10 पे गया, 6 में चेंज किया, -6।
कैपिटल में क्या वो चेंज कर सकता है, कैपिटल वो कम कर पाया नहीं, कैपिटल कितनी चेंज आया, जीरो, तो कितना आया इन्फिनिटी, यानी कि इस पॉइंट में वर्टिकल लाइन पे वो कहीं भी जा रहा है तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना रह रहा है, इन्फिनिटिव रह रहा है। ऑन दी अदर साइड अगर हम इस साइड को चले, जब वो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है और लेबर को कम कर रहा है, मान लीजिए एक कैपिटल चेंज करी उसने, क्या वो लेबर को कम कर सकता था, अगर वो कैपिटल को बढ़ा रहा था तो वो इस केस में लेबर को कम कर सकता था, नहीं, लेबर कितनी कम होगी, जीरो, तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आ गया, जीरो। सिमिलरली अगर वो इस पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट डी से या पॉइंट ई पे गया, उसने कितने चेंज किया कैपिटल में, वन, और लेबर में क्या वो चेंज किया उसने, कुछ नहीं, तो लेबर में चेंज कितना आया, जीरो, तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आ गया, जीरो। इसी तरह अगर हम इस केस में देखें तब भी मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल साइड मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना है, जीरो, वर्टिकल साइड कितना है, इन्फिनिटिव। यही होता है कॉम्प्लीमेंट के केस में। कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो आइसोक्वेंट की शेप होती है वो एल शेप होती है, और जो वर्टिकल साइड होता है वहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है इन्फिनिटिव, जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है जीरो। सो एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा आइसोक्वेंट की शेप जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, इस केस में क्या होता है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। सेकंड केस हमने देखा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या था, आइसोक्वेंट जो होते हैं वो लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। थर्ड केस हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्स का, और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या था, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वर्टिकल साइड में क्या था, इन्फिनिटिव था, एंड हॉरिजॉन्टल साइड में कितना था, जीरो था। तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की डिफरेंट वैल्यू हमने चेक करी, और कैसे कैसे इसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। साथ ही हमने क्या देखा है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर कैपिटल फॉर लेबर लिखा हुआ है तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस डेल्टा एल ओवर डेल्टा के, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल, यानी कि हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं और कैपिटल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तब फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।